Hello friends, and a very good morning to all of you. This is Achal and I welcome you all on Topic Study, a channel of an academy group. आज का जो हमारा सेशन है वो है वोकैबुलरी के ऊपर, और जैसा कि आपको पता है कुछ दिन से नहीं हो पाया था. आई नो बिकॉज आई वॉज नॉट डूइंग वेल. अब आई एम बैक एंड फिर से हम वही स्टार्ट करेंगे, अपना उसी तरह से सेशन स्टार्ट करेंगे, उसी तरह से फुल एनर्जी के साथ. मंडे ट्यूसडे हम द हिंदू वोकैब देखेंगे, वेंसडे थर्सडे हम रूटवर्ड्स पढ़ेंगे, और फ्राइडे सैटरडे हम फ्रेजल वर्ब्स पढ़ेंगे, ताकि आपकी वोकैबुलरी सिर्फ एक तरह से नहीं, हर तरह से प्रिपेयर होनी स्टार्ट हो जाए. इज दैट क्लियर? हर तरह से प्रिपेयर होनी स्टार्ट हो जाए. तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको. हाँ जी, हाँ जी. अभी भी मेरा यार कान बंद है, बिकॉज आई एम नॉट, मेरा ये जो ये ENT वाला सिस्टम होता है ये थोड़ी गड़बड़ चल रही है इसमें, ठीक है. एनीवे, कोई बात नहीं. तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना सेशन. हम आज पढ़ने वाले हैं, जैसा कि आपको दिख रहा है, लेट्स लर्न विथ रूट वर्ड्स. तो आज है आपका थर्सडे, और थर्सडे को हम रूट वर्ड्स पढ़ते हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको. राइट, लेट्स स्टार्ट विद दिस. द फर्स्ट वर्ड दैट यू हैव इन हियर इज ल्यूस और ल्यूम. ल्यूस और ल्यूम जहाँ भी लगा होता है, ये वर्ड हमेशा लाइट की बात करता है. लाइट का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आप किसी लाइट ऑन करने की बात कर रहे हो. लाइट का मतलब होता है, जैसे बचपन में एक क्वेश्चन आता था, थ्रो लाइट ऑन हिज ऑटोबायोग्राफी, थ्रो लाइट ऑन गांधी जीज लाइफ. तो इसका मतलब हुआ कि उनकी लाइफ के बारे में एक्सप्लेन करें, उनकी लाइफ के बारे में हमें कुछ बताएं. सो दैट इज़ व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट. और इसीलिए लाइट का मतलब सिर्फ वो लाइट नहीं हुआ जिस बारे में आप सोच रहे हैं कि ये लाइट ऑन ऑफ वाली. यहाँ पर लाइट का मतलब ये भी हुआ दैट यू आर एम्फसाइजिंग ऑन समथिंग. ठीक है, जब आप किसी चीज़ को एम्फसाइज करते हो तो उसको भी हम क्या बोलते हैं, ल्यूस या ल्यूम में से ही एडजस्ट कर सकते हैं. ठीक है, चलिए देखिए. पहला वर्ड लिखा है एल्यूसिडेट. एट लगा है, लास्ट में वर्ब होगा. एल्यूसिडेट का मतलब होता है टू एक्सप्लेन और टू थ्रो लाइट ऑन. अगेन, एल्यूसिडेट का मतलब क्या हो गया, अगर लाइट के बारे में बात करोगे तो मतलब अगर आपने टॉर्च से जला कर किसी एक चीज़ को फोकस किया, जैसे कोई एंकर अगर एंकरिंग करता है उसके ऊपर स्पॉटलाइट आती है ना, दैट इज एल्यूसिडेशन. अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप किसी चीज़ को एक्सप्लेन कर रहे हो तो उसको भी आप एल्यूसिडेट ही कर रहे हो. नेक्स्ट वर्ड इज ल्यूसिड. ल्यूसिड का मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ जो आसानी से समझ में आ जाए, कोई ऐसी चीज़ जो आसानी से हम समझ सकें. ठीक है, सो दैट इज़ वॉट यू मीन. ल्यूसिड का मतलब होता है ईजली अंडरस्टूड, और गिविंग ऑफ लाइट, जो लाइट दे रहा हो. राइट, जैसे टॉर्च से बाहर लाइट निकलती है, रॉड से बाहर लाइट निकलती है, सो दैट इज ल्यूसिड. नेक्स्ट इज ट्रांसल्यूसेंट. अब देखो, एक बात समझने की कोशिश करना. यहाँ पर ट्रांस का मतलब होता है मूव करना, और ल्यूसेंट का मतलब आपने पढ़ा अभी, ल्यूसेंट से रिलेटेड है, जो चीज़ आसानी से लाइट को जाने दे. तो ट्रांस मतलब मूव करना, अलाउइंग लाइट थ्रू, दैट मीन्स कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जो अपने अंदर से लाइट अलाउ कर रहा है दूसरी साइड जाने के लिए. सो जितनी भी ट्रांसपेरेंट चीज़ें होती हैं वो क्या करती है, एक साइड से लाइट मारो तो दूसरे साइड से दिखाई देता है. राइट, सो दैट्स व्हाट वी से ट्रांसल्यूसेंट. नेक्स्ट वर्ड इज इल्यूमिनेट. इल्यूमिनेट का मतलब होता है लाइट से भर देना. देन वी हैव ल्यूमन. ल्यूमन से जैसे किलोग्राम, जैसे किलोमीटर, जैसे ये यूनिट्स होती है, वैसे ही एक यूनिट होती है ल्यूमन, जिससे हम लाइट को मेजर करते हैं. ठीक है, फिर सर्कम ल्यूसिड. सर्कम मतलब क्या होता है, अराउंड, जो आसपास हो या फिर चारों तरफ हो उससे रिलेटेड. और ल्यूसिड का मतलब अभी आपने पढ़ा, इजिली अंडरस्टूड. सर्कम ल्यूसिड का मतलब क्या हो गया, बीइंग लाइट ऑन एवरी साइड, है ना, बीइंग लाइट ऑन एवरी साइड. कोई ऐसी चीज़ जिसके चारों तरफ लाइट है. अब जो बड़े बड़े स्ट्रीट लाइट्स होते हैं, है ना, आपने देखा होगा आजकल जो स्ट्रीट लाइट्स होती है वो चार एक साथ लगी होती है, तो वो चार एक साथ लगी हुई है. व्हाई? बिकॉज वो लाइट हर तरफ दे रही है ना. ल्यूसिड का मतलब क्या है, गिविंग ऑफ लाइट, लाइट को देना. और सर्कम ल्यूसिड मतलब, सर्कम मतलब अराउंड, और ल्यूसिड मतलब टू थ्रो ऑफ लाइट. तो बींग लाइट ऑन एवरी साइड मतलब हर तरफ लाइट होना. नेक्स्ट वर्ड है आपका ल्यूसीफ्यूगल. ल्यूसीफ्यूगल का मतलब होता है किसी चीज़ से डरना. किसी चीज़ से डरना नहीं, लाइट से डरना. जब किसी को अंधेरा पसंद है, किल्विश के राज के हैं, अंधेरा कायम रहे, तो उनको लाइट नहीं पसंद, तो बीइंग अफ्रेड ऑफ लाइट इज व्हाट वी मीन. ठीक है, हाँ जी, 10 o'clock वाली क्लास भी होगी आज. चलो, नेक्स्ट वर्ड है आपका मैन. मैन का मतलब होता है या तो खुद वो ऑर्डर, या फिर ऑर्डर देना. नाउ हियर बाय ऑर्डर आई मीन कमांड. जब आप किसी को कमांड देते हो, या फिर कमांड खुद मैंड से रिलेट किया जा सकता है. पहला वर्ड है जैसे कमांड. कमांड का मतलब होता है एक ऑर्डर या इंस्ट्रक्शन जिसको आप मना नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि वो आपकी ड्यूटी है, आपको करना पड़ेगा. डिमांड का मतलब होता है एक ऐसा ऑर्डर जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते.
हार्ड टू इग्नोर ऑर्डर, मतलब एक ऐसा ऑर्डर जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, वो भी आपके पास होना ज़रूरी है. नेक्स्ट वर्ड है मैंडेट. मैंडेट का मतलब होता है एक ऐसा ऑर्डर जो कि आपके लिए फॉलो करना बहुत ज़रूरी है. क्यों? क्योंकि एक ऑफिस से आया, इट्स एन ऑफिशियल ऑर्डर. नेक्स्ट इज काउंटर मैन. अब देखो, व्हेन एन ऑर्डर इज काउंटर मैंडेट, इट इज वर्ड्स. क्यों ऐसा कह रहे हैं, इसका भी एक रीज़न है. क्यों ऐसा कह रहे हैं, क्योंकि काउंटर का मतलब होता है अगेंस्ट, वापस का बात, और मैंड का मतलब होता है क्या, एक ऑर्डर, है ना. हाँ, तो यही वो बात कह रहा है. काउंटर मैन मतलब जब कोई ऑर्डर को या तो कैंसिल कर दो, मतलब ऑर्डर आया उसको या तो रिवर्स कर दिया, वापस भेज दिया, आया वापस भेज दिया, या तो उसके कैंसिल कर दिया, उसके अगेंस्ट में चला गया. ऑब्वियसली बात है, कोई ऑर्डर आएगा आप कैंसिल कर दोगे तो उसके अगेंस्ट में गया ना. तो काउंटर वर्ड जो है ये हमेशा ऑर्डर को या फिर कोई भी वर्ड जो उसके साथ लगा हुआ है उसके साथ उसको कैंसिल करने को या उसके अगेंस्ट में बात. नेक्स्ट वॉज रिमांड. रिमांड का मतलब होता है किसी को अपने अंडर रखना. रेफर टू अनदर कमिटी और अथॉरिटी और काउंटर फॉर डिसीजन, कोर्ट फॉर डिसीजन. किसी कोर्ट को, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप बोले ये कमांड में रहेंगे, तो उसका मतलब ये रिमांड में रहेंगे, दैट मीन्स वो जुडिशियल कस्टडी में रहेंगे. ठीक है, फिर आया कमांडर. और कमांडर का मतलब होता है एक ऑफिसर जो कमांड देता है, स्पेशली टू अ मिलिट्री यूनिट. नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट वर्ड आपका है डी या डिस. दोनों का ही रिलेशन है किससे, ऑफ नॉट डाउन. तीन वर्ड्स इसमें से ऐसे हैं जो नेगेटिव है और एक वर्ड है फ्रॉम, है ना. ऑफ ओ एफ एफ वाला नेगेटिव होता है, नॉट नेगेटिव होता है, डाउन नेगेटिव होता है. चलिए देखिए, डिस इनहेरिट मतलब क्या हुआ, इनहेरिट से निकाल देना, इनहेरिटेंस से निकाल देना. दैट मीन्स आप किसी खानदान को बिलोंग करते हैं, आप किसी फैमिली को बिलोंग करते हैं, अगर आपको उस फैमिली से निष्कासित कर दिया जाए, इफ़ यू आर एलिमिनेटेड फ्रॉम अ फैमिली ट्री, दैट इज़ वॉट वी मीन बाई डिस इनहेरिट. नेक्स्ट वर्ड है डिस्पोज. डिस्पोज का मतलब होता है किसी चीज़ को बाहर फेंक देना, टू थ्रो अवे, या फिर टू बी इंक्लाइंड टू, किसी की तरफ इंक्लाइंड होना. पोज मतलब क्या होता है, किसी एक फॉर्म या पोस्चर में होना, और डिस का मतलब क्या हो गया, नॉट. तो वो इंक्लाइंड है किसी तरफ, एक पोस्चर में नहीं, स्ट्रेट पोस्चर में नहीं है, किसी तरफ झुका हुआ है. नेक्स्ट वर्ड है डिसआर्म. डिसआर्म का मतलब होता है जब आपके पास कोई वेपन है और आप उसको निकाल कर रख दें. डिसआर्म बिफोर एंटरिंग द टेम्पल, मतलब आपके पास जो वेपन्स है उसको हटा कर तब आप मंदिर में आइए. ठीक है, देन वी हैव डीमोट. डीमोट का मतलब होता है जिस पोर्शन पे आप हैं, जिस पोजिशन पे आप हैं, उससे कम कर देना, टू बी मूव डाउन फ्रॉम अ करेंट जॉब स्टेटस. देन वी हैव डिराइव. डिराइव का मतलब होता है किसी चीज़ से लेना, टू कम फ्रॉम. दैट मीन्स दिस वर्ड इज डिराइव फ्रॉम लैटिन, दैट मीन्स ये वर्ड लैटिन से लिया गया है, टू कम फ्रॉम. नेक्स्ट इज डीसेलरेट. सेलर वर्ड होता है किससे रिलेटेड, स्पीड से. एट इज अ वर्ब, तो डी लगा दिया तो स्पीड कम होने की बात होगी, टू मूव डाउन फ्रॉम द करंट स्पीड टू अ स्लोअर वन. वही बात हुई कि डी कम कर दिया, सेलर इज स्पीड, स्पीड को कम करना इज व्हाट वी मीन बाय. नेक्स्ट वर्ड है आपका बेन या बेने. दोनों ही वर्ड्स, दोनों ही वर्ड्स अच्छे वर्ड्स हैं, गुड वर्ड्स हैं, मतलब या तो किसी अच्छाई को डिफाइन करेंगे या काइंडनेस को डिफाइन करेंगे. पहला वर्ड है बेनिफैक्टर. बेनिफैक्टर का मतलब होता है पर्सन जो पैसा देता है, या अ पर्सन हु गिव्स मनी टू अ कॉज. पैसा देता है किसी ऐसी स्थिति, किसी ऐसी सिचुएशन में जहाँ पर लोगों को ज़रूरत है उसकी. ठीक है, फिर है बेनिफिशियल. बेनिफिशियल का मतलब होता है एक अच्छा इफेक्ट लाना. ठीक है, हाँ, पार्ट ऑफ स्पेस नहीं, पार्ट ऑफ स्पीच होता है, प्रिंस ले लेंगे वो. ठीक है, नेक्स्ट इज बेनोवोलेंट. बेनोवोलेंट का मतलब होता है एक ऐसा इंसान जो काइंडनेस या गुडविल दिखाए, दूसरों की तरफ बहुत हेल्पफुल हो, उसको हम बोलते हैं. एंड बेनिग्न का मतलब क्या होता है, काइंड और जेंटल डिस्पोजिशन, न्यूट्रल और हार्मलेस. मतलब जब आपके मे बी आपके आपके अकॉर्डिंग डिसीजन नहीं आया, लेकिन ऐसा डिसीजन आया जो आपको हार्म भी नहीं करेगा. ठीक है, देन वी हैव बेनिसन. बेनिसन का मतलब होता है एक ब्लेसिंग, एक अच्छी बात. देन वी हैव बेनिफिशियंस. बेनिफिशियंस मतलब क्या होता है, एक्ट ऑफ गुडनेस, मतलब अगर आपने कोई भी अच्छा काम किया, मे बी आपने किसी को खाना खिला दिया, आपने किसी को पानी पिला दिया, किसी ज़रूरतमंद की सहायता कर दी, दैट इज़ वॉट वी मीन बाई बेनिफिशियंस. जो एक्ट, जो काम आप कर रहे हैं ना, उसको हम बोलते हैं. ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देखो. नेक्स्ट वर्ड इज बेनेडिक्शन. अब बेने मीन्स गुड और डिक्ट मतलब बोलना, टू से समथिंग, और आई ओ एन नाउन होता है, तो बेनेडिक्शन मतलब हो गया एक प्रेयर, अच्छे शब्दों का यूज करना, अच्छे शब्दों के लिए बोलना. प्रेयर भी बोल सकते हैं, उसको ब्लेसिंग भी बोल सकते हैं. ठीक है, यू कैन ऑल्सो कॉल इट ब्लेसिंग इज वेल. नेक्स्ट वर्ड है आपका नोटा बेने. अब देखो, नोटा बेने का मतलब होता है टेक केयरफुल नोटिस. नोटा इज रिलेटेड टू नोटिस. ये एक रूट वर्ड है जो हमेशा
नोटिस के लिए यूज होता है, और टेक केयरफुल नोटिस या टेक गुड नोटिस किसी चीज को ऑब्जर्व करने से ही हम यूज करते हैं. ठीक है, कोई बात नहीं. चलिए नेक्स्ट वर्ड देखिए, एंड दैट इज पैन. पैन हमेशा बाकी सब चीज़ों से, बहुत सारी चीज़ों से रिलेट करता है. ठीक है, IBPS PO में कितना वर्ड्स रिमेंबर करना होगा. स्वाति, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो उतना ज़्यादा प्रैक्टिस करने की कोशिश करो, और प्रीवियस ईयर की जो वोकैबलरी है उसको ज़्यादा से ज़्यादा लर्न करने की कोशिश करिए. ठीक है, तो अब हम एक काम कर सकते हैं हम, क्या कि सैटरडे को जो आपके सेशंस आते हैं उन सैटरडे वाले सेशंस में प्रीवियस ईयर की वोकैब डिस्कस कर लें. बताओ क्या चाहते हो, ये अगर आपके लिए फीजिबल है तो हम वो काम कर सकते हैं. ठीक है, चलिए. एनीवे, पैन का मतलब है ऑल, एनी या एवरीवन. पैन इसका एक ऐसी इलाज जो हर दिक्कत को दूर कर दे, जो बोलते हैं रामबाण इलाज है ये हर चीज़ का. सो दैट इज़ व्हाट वी मीन बाय पैनेसिया. नेक्स्ट वर्ड है आपका पैनोरामा. पैनोरामा हर फोन में आजकल पैनोरामा इमेज होती है, या पैनोरामा फीचर होता है जिसमें आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे और पूरे रूम का व्यू, ऐसे तो आप एक साइड क्लिक कर सकते हो, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, ऐसे साइड क्लिक कर सकते हो, लेकिन पैनोरामा में आप पूरी इमेज एक ही लाइन में ले लेते हैं, एक ही इमेज में ले लेते हैं, है ना. देन वी हैव पैनथीज्म. पैन मतलब ऑल, थीज्म इज रिलेटेड टू गॉड, तो द वर्शिप ऑफ ऑल गॉड, सारे भगवान को जो मानता है उसको वो क्या फॉलो करता है, वो पैनथीज्म फॉलो करता है. वो पर्सन कौन है, वो पैनथीस्ट है. ठीक है, देन वी हैव पैंडेमिक. पैन मीन्स ऑल, डेमिक इज अ डिजीज, तो कोई भी ऐसी चीज जो अफेक्टिंग ऑल, ऐसी कोई चीज जो हर किसी को अफेक्ट कर रही है. इसका ऑपोजिट होता है, इसका ऑपोजिट होता है एपिडेमिक, राइट. हाँ ठीक है, इसका ऑपोजिट होता है एपिडेमिक. तो दैट इज व्हाट थिंग व्हाट वी मीन बाय दिस. और फिर है पैंडेमोनियम, जिसका मतलब है ऐसा. देखो पैन मतलब ऑल, डीमन मतलब आपको पता है राक्षसी प्रजाति के इंसान. सो पैंडेमोनियम का द होम फॉर ऑल डीमन, सारे डेमन्स का जो होम होता है उसको हम बोलते हैं. देन वी हैव पैन क्रोमैटिक. पैन मीन्स ऑल, क्रोम इज कलर, सेंसिटिव टू ऑल कलर्स. वाइट कलर पैन क्रोमैटिक होता है, किसी भी कलर के साथ जाएगा तो क्या हो जाएगा, सेंसिटिव होता है, कोई भी कलर उसके ऊपर चढ़ जाता है ना. देन वी हैव पैन थियोन. अगेन पैन इज ऑल, थियोन इज टेम्पल, तो टेम्पल ऑफ ऑल गॉड्स, एक ऐसा मंदिर जहाँ पर सारे भगवान की पूजा होती है. दैट इज वॉट वी मीन बाय पैन थियोन. ओके, सो दैट वॉज द लास्ट वर्ड ऑफ टूडे गाइज. आप सब ने बोल दिया यस मैम, यस मैम, तो ज़रूर मैं सैटरडे को जो अब आपका सेशन आएगा वो आपका प्रीवियस ईयर की वो कैप का ही सेशन आएगा. ठीक है, जब तक आपका एग्जाम नहीं आता तब तक हम प्रीवियस ईयर वो कैप पढ़ेंगे. ठीक, चलिए सैटरडे सैटरडे. ओके, सो दैट्स इट. अगर आपको अन अकेडमी पर कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना है, चाहे वो कैट, SSC, UPSC या फिर बैंक, किसी से भी रिलेटेड हो, आप रेफरल कोड में टॉपिक स्टडी यूज़ करेंगे ताकि आपको 10% इंस्टेंट डिस्काउंट मिल सके. टॉपिक स्टडी में कोई गैप नहीं है, TOPICSTUDY, और वहाँ पर एक अप्लाई का बटन होगा, उस बटन को क्लिक नहीं करोगे अगर तो 10% डिस्काउंट नहीं मिलेगा. ठीक है, तो वो बटन को क्लिक करना नहीं भूलेंगे, टॉपिक स्टडी का कोड लगाएंगे, चाहे कोई भी सब्सक्रिप्शन ले रहे हो, चाहे कितने भी टाइम पीरियड का ले रहे हो. रिकमेंडेबल होता है 3 to 6 months का. ठीक है, सो दैट्स इट, थैंक्स अ लॉट. अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए. बाय, टेक केयर.